नहीं गैलेक्सी नहीं, तुम ऐसा नहीं मर सकते, मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा। ओम पार्श्वाहा। बाहर आओ गैलेक्सी। आ गया हूँ मैं। तुमने मुझे जिंदा कर कर बहुत अच्छा किया बोया, अब इस बार वो कोबरा नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मैंने अच्छा किया जो वक्त रहते उस गैलेक्सी को मार दिया, क्योंकि उसकी वजह से इस फ्री फायर में बहुत ज़्यादा तंग मचा रहा था। लेकिन अब ये फ्री फायर पूरी सुरक्षित है और मेरे रहते यहाँ कोई आतंक नहीं मचा सकता। कोबरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ अंजलि, बोलो क्या बात है। कोबरा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि, तुमने खुशखबरी मुझे पहले क्यों नहीं सुनाई। अरे कोबरा, मैं सुनाने ही वाली थी। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बताया कि तुम बाप बनने वाले हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि। तुम माँ से रेस्ट ही करना, सारे घर के काम मैं कर लूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। पिछू मुझे। अरे ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है। अरे मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे नहीं अंजलि, ध्यान से सुनो, कोई जैसे मदद के लिए पुकार रहा हो। तुम अंदर जाओ, मुझे जरूरी काम पर जाना होगा। ध्यान से जाना तुम। अरे हाँ हाँ, पता नहीं कौन बेचारा मुसीबत में फंसा होगा, उसे बचाना मुझे जाना ही पड़ेगा, इससे पहले देर हो जाए। मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ इस परिवार का रक्षक। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है तुम्हारा गैलेक्सी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानते नहीं हो कि तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, अब तू तो गया बे। मरेगा तू। कौन है यहाँ पर, कौन किसे सता रहा है। मुझे बचा लो कोबरा, मुझे वो गैलेक्सी मार डालेगा। तुम चिंता मत करो। अरे गैलेक्सी, तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना, तो फिर तुम फिर से जिंदा कैसे हो गए। गैलेक्सी को मारना मुमकिन नहीं है बे कुत्ते, तुझे क्या लगता है गैलेक्सी ऐसे ही मर जाएगा। गैलेक्सी तू जैसे को मार के ही मरेगा। अब तुझे ऐसी मौत दूंगा ना कि तू फिर से जिंदा नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बात है, अरे काम तमाम कर दे रे इसका। ठीक है उस्ताद। मार दिया उस्ताद से, मार दिया। अच्छा अच्छा किया बे। तुम जैसा शागिर्द होना तो मैं इस संसार पर राज करूंगा। वाह क्या बात है। जी हजूर, आपने जैसा कहा मैंने उसी तरह इस कोबरा को मार डाला है उस जहरीले चाकू से। बहुत अच्छे रे, बहुत अच्छे गुलाम, हम तुमसे खुश हुए। जाओ कलारी दी तुम्हें, दी कलारी। कोबरा तो मर गया, लेकिन 20 साल के बाद उसका लड़का भी होता है जिसे अपने पिता के बारे में पता नहीं होता है और ना उसे पता होता है कि उसके पिता की हत्या किसने की थी। तो चलिए देखते हैं इस वक्त कैसे वो क्या कर रहा है। अरे बेटा उठो, उठो बेटा। अरे माँ क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठा दे रही हो तुम। अरे बेटा मुझे ऑफिस जाना है ना, तो तुम यहाँ रहो और खाना बना दिया मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया, ठीक है ना। अच्छा हाँ माँ मैं खा लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम ध्यान से जाना। हाँ हाँ, वैसे आज तुम्हारी छुट्टी है ना कॉलेज की। अरे हाँ माँ हाँ, आज तो छुट्टी है मुझे। ठीक है बेटा, तो मैं चलती हूँ और ध्यान से खाना जरूर खा लेना, ठीक है ना। अरे हाँ हाँ माँ मैं खा लूंगा, तुम बस ध्यान से जाओ। हाँ हाँ यही रखा है, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। अच्छा माँ मैं खा लूंगा, अब तुम जाओ भी, कितनी चिंता करती हो तुम मेरी। अरे चिंता तो होगी ना, वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है तो कुछ ना कुछ सरप्राइज तो करना पड़ेगा। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। अरे यार मेरी माँ भी ना मेरे लिए कितना कुछ करती है, पता नहीं मेरा बाप कौन था, क्यों हमें छोड़कर चला गया, लेकिन चलो मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। खाना खा लेता हूँ यार, वैसे भी ठंडा होने को आया है, जल्दी से जल्दी खा लेता हूँ। हाँ खाना तो खा लिया, अब क्या करूँगा, पूरे दिन वैसे भी मुझे छुट्टी है, चलो टीवी ही देख लेता हूँ, वैसे भी अरे क्या बेटो, बेटो। अरे चाचा क्या हुआ। अरे बेटू क्या कर रहे हो तुम। अरे चाचा क्या करना, आज छुट्टी है, क्या करूँगा, पूरे दिन बोर हो जाऊंगा लगता है। अच्छा
अच्छी बात है, माँ चली गई तुम्हारी? अरे हाँ हाँ चाचा, वो तो चली गई, लेकिन लेकिन आप मेरे पिताजी को जानते थे ना, माँ कहते थे कि आप ही हो जो उनके साथ रहते थे, तो मुझे कुछ बताइए ना उनके बारे चाचा, प्लीज बताइए ना। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी यहाँ के रक्षक थे, वो कोबरा थे, कोबरा, महान कोबरा सम्राट, जो यहाँ रक्षा करते थे, लेकिन एक दुष्ट गैलेक्सी ने उन्हें मार डाला था बेटा, मार डाला था। वो इतने अच्छे सुपर हीरो थे कि वो गैलेक्सी से लड़ते थे, वो ही इस शहर को उस गैलेक्सी से बचा रहे थे, लेकिन जब वो मरे ना, उसके बाद आज तक गैलेक्सी राज कर आए यहाँ पर बेटा, इसलिए मुझे लगता है अब तुम ही हो उनके बाद जो अब उनका उनकी जगह ले सकते हो और इस शहर को बचा सकते हो बेटा। अरे चाचा, आप भी कैसी बात कर रहे हो, मान भी लिया कि मेरे पिताजी के पास शक्तियाँ थी, लेकिन जरूरी थोड़ी मेरे पास भी होगी, और वैसे भी किसके पास शक्तियाँ होती है चाचा, मुझे तो आप पर यकीन भी नहीं हो रहा। अरे बेटा, 21 साल के बाद लग जाएगा पता। अरे पता नहीं यार, चाचा भी कैसी बात कर रहे थे, किसके पास होती है आजकल शक्तियाँ। अरे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राहुल, हैप्पी बर्थडे। अरे माँ शुक्रिया, शुक्रिया माँ, आपको मेरा बर्थडे याद था। अरे बेटा, क्यों नहीं होगा, तो मेरा बेटा है तो क्यों नहीं याद रखूंगी, तुम्हें पता नहीं है क्या? अच्छा माँ, लेकिन गिफ्ट लाई हो क्या मेरे लिए? अरे गिफ्ट लाई थी, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड फोन कर रहा था बार बार और तुम्हें बुला रहा था, पहले उसके पास जाकर आ जाओ। अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड के पास, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ और जल्दी आ जाना, मैं केक बना करती हूँ, ठीक है? अच्छा माँ ठीक है, तुम्हारे हाथों का केक तो अच्छा होता है माँ, उसे ही बनाना, ठीक है ना? हाँ हाँ वही बना रही हूँ मैं, तुम जाओ। अच्छा माँ मैं फिर चलता हूँ। हाँ जल्दी आना, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा हाँ माँ मैं आ जाऊँगा, तुम बस काम करो, मैं अभी आया और अभी वापस आ जाऊँगा। ठीक है जल्दी जाओ रे, वो फ़ोन कर रहा था। चलो यार चलता हूँ, पता नहीं मेरा दोस्त क्यों इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है माँ मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा ठीक है, और याद रखना मैंने क्या बोला है। अच्छा ठीक है माँ, अभी तो जाने दो पहले। ठीक है बेटा। चलो यार चलता हूँ, पता नहीं कौन सा दोस्त होगा तो मुझे क्यों बुला रहा होगा, जल्दी चलता हूँ, ज़रूर मेरा दोस्त रमेश ही होगा, उसके पास जल्दी से भागता हूँ। अरे ये कहाँ पहुँच गया मैं, ये तो कोई और ही जगह लग रही है, मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया, और तुम कौन? अरे भाई तुम कौन हो तुम, और मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई तुम इस वक्त नाक लॉक में हो, और मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अरे भाई लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी मेरा। अरे भाई यही सही समय है जब तुम्हें पता चले कि आखिरकार तुम कौन हो और किसके बेटे हो, नागराज ही आकर तुम्हें सब कुछ जानकारी देंगे, नागराज प्रकट होइए, आइए नागराज। बोलो क्या चाहती हो तुम मुझसे? अरे नागराज देखिए, ले आया आपने जैसे कहा था। बहुत बढ़िया, अरे तुम कोबरा के बेटे हो ना? अरे अरे तुम कौन हो, और मुझे चाचा भी कह रहे थे कि मैं कोबरा का बेटा हूँ, और मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे जाने दो प्लीज। तुम नाग लोग हो मेरे पुत्र, डरने की कोई बात नहीं है, तुम कोबरा के बेटे हो उस महान योद्धा के जिसे हमने ईजाद किया था, लेकिन उसकी एक कारणवश मृत्यु हो गई, उसे अपनों ने ही धोखा दिया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है अपने पिता की मौत का बदल लेने की और उस संसार को पाप से मुक्त करने की। तो नागराज आखिरकार वो चाचा सही कह रहे थे कि मैं सच में एक सुपर हीरो का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने इस फ्री फायर के लिए क्या किया और बदले में उन्हें सिर्फ मौत ही मिली, आखिरकार मैं क्यों इस फ्री फायर की सेवा करूं? अरे पुत्र, फ्री फायर की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा वंश ही फ्री फायर की सेवा करेगा, इसलिए मैं तुम्हें शक्तियां देता हूं जिसके कारण तुम फ्री फायर को बचा सकते हो और अपने पिता की मौत का बदला ले सकते हो। याद रखना तुम एक योद्धा हो बेटा, योद्धा, ये लो मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ। अरे नागराज ये क्या हुआ, मेरे कपड़े कैसे बदल गए और मुझे अपने अंदर शक्तियों का भंडार कैसे महसूस हो रहा है? बेटा अब से तुम भी कोबरा हो, तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह मैंने शक्तियाँ दे दी है, आज से तुम इस फ्री फायर की रक्षा करोगे, ठीक है?
ठीक है नागराज, जैसा आप कहें, मैं इस फ्री फायर की रक्षा जरूर करूंगा और अपने पिता की मौत का बदला भी लूंगा उस साले गैलेक्सी से। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पिता की मौत का बदल लोगे और इस संसार की रक्षा करोगे, ठीक है? और अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल करना है, ठीक है पुत्र? मैं चलता हूँ। ठीक है नागराज। अरे नागराज तो चले गए, हे दूत मुझे वापस भेज दो, मुझे फिर से फ्री फायर में भेज दो ताकि मैं वहाँ पर जाकर पूरी फ्री फायर को बचा सकूँ और साथ ही साथ मैं अपने बाप की मौत का बदला भी ले सकूँ। हाँ हाँ हाँ, गैलेक्सी तू तो गया बे मेरे हाथों से, तूने मेरे बाप को मारा था ना, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लगता है मैं फ्री फायर वापस आ गया, लेकिन सबसे पहले करूँ तो करूँ क्या, पहले माँ को सारी सच्चाई बता देता हूँ कि आखिरकार मुझे भी मेरे पिता की सारा सुपर शक्तियाँ मिल गई है। चलो जब माँ मुझे ऐसे देखेगी ना तो वो भी बहुत खुश होगी कि मैं भी उनके पति की तरह एक सुपर हीरो हूँ, सुपर हीरो। अरे माँ, अरे चाचा तुम भी यहाँ? अरे कोबरा तुम यहाँ, तुम कैसे आ गए? अरे माँ मैं कोबरा नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ माँ। अरे बेटा तुम अपने पिता की तरह, ये शक्तियाँ कहाँ से मिली है बेटा? अरे माँ ये सारी शक्तियाँ मुझे नागलोक से मिली है, स्वयं नागदेव ने मुझे ये शक्तियाँ दी है। मैं कहता था भाभी देखो इसे भी कोबरा की तरह शक्तियाँ मिल गई है, आज से ये भी हमारा रक्षक है भाभी, डरने की बात नहीं है। अरे हाँ माँ हाँ, सही कह रहे हैं चाचा, अब मैं अपने बाप की मौत का बदल लूंगा माँ। अरे बेटा वो तो मर गया, तुम भी मर जाओगे, इसलिए छोड़ दो ये सब कुछ बेटा। नहीं माँ नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम बरसों से रोई हो, मैं तुम्हारे एक एक आंसू का बदल लूंगा माँ उस गैलेक्सी से, उसने हमें बहुत सताया है, 20 साल कम नहीं होते हैं माँ, तुम्हारे हर एक आंसू का बदला मैं उसके खून के कतरे से लूंगा माँ, खून के कतरे से। अरे बेटो ठीक है तो तुम जाओ बेटो, मैं देख लूंगा तुम्हारी माँ की रक्षा करूंगा, ठीक है? अरे हाँ चाचा मैं जा रहा हूँ, अब तुम मेरी माँ की रक्षा करना। बेटा लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और बेटा हो सके तो जिंदा आना। अरे हाँ हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, जब कका आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर है ना, वो गैलेक्सी क्या कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा माँ। हाँ मैं गैलेक्सी के ठिकाने में पहुंच गया आखिरकार। कहाँ है बे गैलेक्सी, बाहर निकल बाहर निकल। अपनी मौत को बुला रहा है वे कुत्ते, जीने का शौक नहीं है कि तुझे? आ गया हूँ, बोल क्यों बुला रहा है मुझे, बोल मरेगा क्या? अबे साले तुझे कहाँ से शक्तियाँ मिली, वैसे मैंने तुझे मार दिया था ये तो मैं भूल गया। अबे साले मैं कोबरा नहीं उसका पुत्र हूँ और मैं उसकी मौत का बदला लूंगा आज तुझसे। अच्छा बढ़ाया, इसे तो मैंने बोलने से पहले ही मार दिया, पता नहीं पिताजी इससे कैसे मर गए होंगे, जरूर इसने धोखे से मारा होगा मेरे पिताजी को, आखिरकार मैंने उनकी मौत का बदला ले ही लिया और मैं आज से इस फ्री फायर का नया रख सकूं और मेरे रहते इस फ्री फायर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो हे यारो अगर आखिर तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ करके नीचे कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए, और वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लीज़ करके।